कि हमारी हार्ट की प्रॉब्लम भी, बीपी की प्रॉब्लम भी, तो क्या जामुन खाना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी में भी फायदेमंद है? लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर के अंदर की चर्बी दूर होगी, कोलेस्ट्रॉल लीवर एंजाइम है जी, और यदि हमारा लीवर बैलेंस होगा, एक्टिवेट होगा, तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल हो, ट्राइग्लिसराइड हो, गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल यदि किसी का बढ़ रहा हो, वह भी इसके सेवन से कम होने लगता है और यह बीपी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है, मैंने अभी कहा। लेकिन बीपी के साथ साथ कोई हार्ट की समस्या हो रही हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, हार्ट की स्ट्रोक होने जा रही है, इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। और एक छोटी सी बात आपको और कहूँगा कि ये तो जामुन का चूर्ण हुआ, बहुत से लोग जामुन का चूर्ण का सेवन करते हैं लेकिन उनको चूर्ण खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसका सिरका भी बनता है, जामुन का सिरका। और यदि ऐसे लोग जामुन का सिरका आधी से एक चम्मच तक रोज पानी में मिला के सेवन करते रहें तो उनका पैनक्रियास एक्टिवेट होता है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है, बढ़ी हुई शुगर उनकी नॉर्मल आने लगती है। लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा गला खराब होने के चांस हो तो सिरके से बचना चाहिए, लेकिन यदि उनका गला खराब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायल्यूट करके पानी में डाल करके इसको सेवन करें। बहुत से लोग इसमें प्याज या गाजर या मिर्च डालकर भी सेवन करते हैं, तब भी उनको बहुत लाभ मिलता है। सर, आपने कहा था ना कि अगर जामुन को खाली पेट खाया जाए तो एसिडिटी बना करता है, जामुन की अल्कलाइन नेचर होने के कारण यदि हम इसको ज्यादा खाएं, 100 ग्राम से ऊपर खाएं तो एसिडिटी होने लगेगी। और जी, लेकिन सर जामुन को खाने का सही समय कौन सा है? क्योंकि हम ज्यादातर सुनते हैं कि फलों को रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ठंडे होते हैं, कफ बनाते हैं, और जामुन को अगर ज्यादा खाया जाता है तो वो भी कफ बनाता है, गला भी खराब करता है, तो फिर जामुन को सही समय कौन सा है खाने का? दोपहर से शाम तक। आप 11-12 बजे से लेकर 4 बजे तक इसको सेवन करें तो आपको लाभ ही लाभ देगा, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं देगा जी। तो मतलब ये टाइम इसके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा खाने का। लेकिन सर जामुन खाने के साथ किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे हम जब भी जामुन खाते हैं तो घर पर हमें कहा जाता है कि जामुन खाने के बाद पानी मत पियो, तो ऐसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जामुन में एक समस्या और भी है, जिन लोगों के खून में थक्का बनता हो ऐसे लोगों को जामुन खाने से बचना चाहिए। जिस फल के अंदर हल्की खटास हो उनके ऊपर हमको पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि हमको पानी का सेवन करना ही है तो थोड़ी मात्रा में गुनगुना पानी सेवन करें, तब नुकसान के चांस नहीं रहते। हमको ठंडा पानी इसके ऊपर पीने से बचना चाहिए। सर, ये तो जामुन के फायदे हो गए, खाने का तरीका हो गया और सही समय हो गया। आपने बताया कि जामुन की गुठली का उपयोग भी बताया, जामुन को नमक के साथ ही खाना चाहिए तो वो बीपी को मैनेज करने में मदद करता है, लेकिन आयुर्वेद में जामुन के नुस्खे क्या है, होम रेमेडीज क्या है जामुन की? हम अपनी फार्मेसी में एक चूर्ण बनाते हैं जी, शुगर के लिए, डायब केयर, और इस चूर्ण का मुख्य घटक जामुन ही है।